हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज का एक और नई वीडियो के साथ, और आज के वाले वीडियो के आपने टाइटल और थंबनेल तो देख लिया होगा। तो हम आज बात करने वाले कि जो अपना बेटर ऑल मोबाइल इंडिया सीरीज आया है, तो ये क्या एक स्कैम है या फिर एक अपॉर्चुनिटी है अंडरडॉग्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत लोगों को लाइक वो है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और यहाँ पे अंडरडॉग साइन नहीं कर सकते, या फिर यहाँ पे यार इन्वाइटेड टीम्स एक्स वाई जेड आ रही है और यहाँ पे अंडरडॉग्स को मौका नहीं मिल रहा। बहुत सारे मतलब सोचते हैं लोग कि भाई अंडरडॉग को चांस नहीं मिल रहा और यहाँ पे बहुत सारा स्कैम हो रहा है। तो अब इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या रियली में यहाँ पे स्कैम हो रहा है, या फिर ये वीडियो मतलब ये बेटर ग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज है वो अंडरडॉग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो उसके लिए मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन भी करेंगे, और आप भी अपना ओपिनियन आप कॉमेंट में लिख सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट रखूंगा ट्रांसपेरेंसी के बारे में कि टूर्नामेंट की ट्रांसपेरेंसी कितनी है। अब टूर्नामेंट ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है कि जो फर्स्ट राउंड अपना होने वाला है इन गेम क्वालिफायर्स, तो क्या होता है कि पीएमसी जैसे क्वालिफायर्स में हमारे पास रैंकिंग लीडर बोर्ड होता है कि भाई इतना रैंक अपना चल रहा है या फिर इतना रैंक चल रहा है, तो अभी हम जाके देख सकते हैं कि हाँ मेरे को इतने पॉइंट करने बाकी है, तब मैं जाके क्वालिफाई कर पाऊंगा। ठीक है, तो हमको पता भी चलता है कि हाँ कितने पॉइंट पे क्वालिफाइंग पॉइंट है। बट यहाँ पे क्या है, हमको सिर्फ क्लासेस मैचेस खेलने और लाइक मैंने इतने क्लासेस मैचेस खेले, मेरा इतना पॉइंट हुआ, तो मेरा पॉइंट किसी को पता नहीं चलेगा कितना हुआ। तो यहाँ पे किसी के पॉइंट पता नहीं है, ना हमारे पास कोई रैंकिंग आने वाला है। सीधा यहाँ पे जो भी ऑफिशियल की तरफ से हमारा जो भी क्वालिफाइड टीम होगा उनको सीधा मेल चला जाएगा डायरेक्टली। तो ये एक बहुत बड़ी चीज लोगों को लगने की ट्रांसपेरेंसी नहीं है टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है, बट अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको नोटिस करना चाहूंगा कि पीएम जैसे क्वालिफायर हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कितने स्लॉट होते हैं भाई, तुम समझ लो कि 15-20 मैक्सिमम स्लॉट होते हैं, मैक्सिमम 20 स्लॉट होते हैं, उससे ज्यादा स्लॉट आपको दिखने को नहीं मिलते पीएमसी जैसे क्वालिफायर्स में। जहाँ पे यहाँ पे बात कर ले तो 1024 स्लॉट्स है। तो ये एक चीज को हाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ स्लॉट्स ज्यादा है तो चांसेस भी ज्यादा है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हैकर्स का बात करते हैं। तो बहुत लोगों का लग रहा है कि हैकर्स का क्या करेंगे, हैकर्स तो आएंगे, वो लोग तो बहुत सारे किल्स करेंगे और क्वालिफाई भी कर जाएंगे। हाँ बात तो सही है कि नहीं करेंगे, बट क्या आपको पीएमसी में भी हैकर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ऑफकोर्स है, पीएमसी में भी आपको हैकर्स मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स बात है, यहाँ पे भी कुछ टीम्स होगी जो हैकर ये क्वालिफाई करेगी, और ये हर बार का है, ऐसा नहीं कि इस बार ही और हैकर्स बढ़ रहे हैं ऐसा बात कर रहे हो। तो अभी ऑफिशियल्स ने यहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस करा है, मतलब एटीट्यूड इंट्रोड्यूस करा है और बहुत सारे अकाउंट्स को बैन करा है, तो ऑफिशियल भी इसके लिए एक्शन ले रहे हैं। तो आप अपना गेम खेलो और उसको मतलब सोचो मत कि हैकर्स आपको मतलब दिक्कत देगा। आप अपना गेम इस टाइम पे खेलो कि आप लाइक मॉर्निंग को खेलो तो मॉर्निंग में आपके सामने हैकर्स नहीं आएंगे। तो ऐसे टाइम पे खेलो कि भाई जब बहुत कम बंदे खेले तो आपको हैकर्स भी इन गेम नहीं मिलेंगे, और हैकर्स का ज़्यादा सोचो ही मत, आप अपना गेम खेलो। और लाइक हर बार आते ही हैकर, इस बार भी आएंगे, बट इस बार थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, बट अभी ऑफिशियल कुछ एक्शन ले रहे हैं तो इस बार भी हो जाएगा सॉल्व, सब शॉर्ट आउट हो जाएगा सब कुछ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सेकंड पॉइंट में मैंने यहाँ पे आपको कुछ कंक्लूजन लेके बताया कि भाई हैकर्स का भी ज़्यादा कुछ सीन नहीं है। और हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि भाई इन्वाइटेड टीम्स की बात करते हैं। तो इन्वाइटेड टीम्स क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लाइक कि छीन रहे हैं क्या अपने अंडरडॉग से, तो वो हम देखते हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि इन्वाइटेड टीम्स नहीं होनी चाहिए एक्स वाई जेड? तो सबसे पहले जिसकी अगर इन्वाइटेड टीम्स नहीं होती तो जो टूर्नामेंट में लोगों को फेम मिलता है या फिर जो पॉपुलैरिटी मिलती है वो एक तो नहीं मिलने वाली थी, सबसे पहली चीज़ वो ही है। तो आपको उसी लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वाइटेड टीम्स को लाना ही पड़ेगा। और इस बार क्या है कि 32 इन्वाइटेड टीम्स है। अब हम बात कर लेते हैं पीएमसी में क्या होता है, पीएमसी जैसे टूर्नामेंट से पीएमपीएल हो गया, पीएमसी हो गया, उसमें आधे से ज़्यादा टीम इन्वाइटेड होती है, और यहाँ पे 1024 टीम्स क्वालिफाई होने वाली और 32 टीम्स को इनवाइट करा है। और चलो आपको लगता है कि भाई इनवाइटेड टीम्स को स्टार्टिंग डायरेक्टली हाई स्टेज में भेजा जा रहा है, तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार उनको सेमीफाइनल या फाइनल पे नहीं इनवाइट मिल रहा है, उनको यहाँ पे बहुत लो वाले स्टेज पे मिल रहा है। जैसा कि क्या कर रहा है, जैसे इनवाइटेड टीम सॉरी जो क्वालिफाइंग टीम है 1024 टीम जो क्वालिफाई हो जाती है इनके क्वालिफायर्स, फिर वो लोग दो मैच खेलेंगे कस्टम वाले राउंड वन के अंदर, और उनमें से टॉप 8 टीम नेक्स्ट राउंड में जाएंगी, उसके बाद फिर से उनका सेकंड राउंड होगा, उसके अंदर वो लोग टॉप 7 में आएंगे, फिर वो क्वालिफाई होंगे और नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। और जैसे वो लोग नेक्स्ट राउंड में जाते हैं वहाँ पर टॉप 7 वाले, सीधा उनको इन्वाइटेड टीम्स उनको अपने ग्रुप में मिलती है, हर एक ग्रुप में दो दो इन्वाइटेड टीम्स आ जाएंगी, और वहाँ पे इन्वाइटेड टीम्स को भी सिर्फ दो गेम के अंदर टॉप 4 आना है, तो उनके लिए भी एक हार्ड चीज़ है। और कोई अच्छी अंडरडॉग टीम होगी तो इन्वाइटेड टीम के स्टेज तक पहुँच ही जाएगी इजीली। तो एक चीज़ है कि इन्वाइटेड टीम्स इस बार है, बट ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इन्वाइटेड टीम्स को इतना ही ग्राइंड करना पड़ेगा जितना अंडरडॉग को करना पड़ेगा। अगर एक अच्छी अंडरडॉग टीम है तो इन्वाइटेड टीम के राउंड 3 तक तो पहुँच ही जाएगा टीम,
तो ये एक चीज है कि इनवाइटेड टीम्स का भी यहाँ पे जो भी क्लियर था कि भाई वो स्कैम कर रहे हैं, अपना स्लॉट निकाल रहे हैं, तो वो सब भी एक अलग ही चीज है। ठीक है, अगर आपकी पोटेंशियल है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप निकाल सकते हो। तो चलो हमें तीनों पॉइंट को हम समराइज करते हैं। तो तीनों पॉइंट में आपने देखा कि बहुत सारे इश्यू, हाँ नो डाउट हैकर्स आ सकते हैं, नो डाउट ट्रांसपेरेंसी नहीं है टूर्नामेंट के अंदर, नो डाउट इनवाइटेड टीम्स आ रही है, बट आ तो रही है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। टूर्नामेंट का फॉर्मेट बहुत ईजी है, अगर एक अच्छी टीम है, अगर अच्छी टीम मिनिमम क्वालिफायर निकाल देती है, लाइक 35-40 किल्स करके इजिली निकाल सकती है वो लोग, अगर निकाल देते हैं उसके बाद वो लोग अगर बैक टू बैक कस्टम्स की मैचेस खेलते हैं, वहाँ पे हैकर का कोई सीन नहीं होगा। हैकर की सारी जो भी मैचेस है वो लाइव स्ट्रीम पे जाने वाली है, पर हैकर्स का ज्यादा कुछ सीन होने नहीं वाला उसके अंदर। तो अगर वो सारी टीम्स अच्छे से खेलती है, जो अंडरडॉग टीम है, राउंड वन निकालती है, राउंड टू निकालती है, राउंड थ्री भी आ जाती है इनवर्टेड टीम्स के साथ, और वहां पर भी अगर अच्छा परफॉर्म करके निकाल देती है, तो समझ लो कि हाँ एक अंडरडॉग टीम आ चुकी है एक बड़ी स्टेज के अंदर। तो इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अंडरडॉग के लिए। तो यही था मेरा पॉइंट, पूरा समराइज कर दिया मैंने यहाँ पे। और बहुत लोगों को लग रहा है कि ये टूर्नामेंट स्कैम है और एक्स वाई जेड, बहुत लोग वीडियो भी बना रहे हैं, तो इस वीडियो में मैंने क्लियर करा कि भाई ये स्कैम नहीं है, एक होता है हर बार कुछ ना कुछ इश्यू बने टूर्नामेंट में होते हैं, बट स्टिल ये एक अपॉर्चुनिटी है अंडरडॉग के लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपने गेम को शाइन करने के लिए। यहाँ पे पीएमसी जैसे क्वालिफायर में यहाँ पे बहुत टीम्स को चांसेस ही नहीं मिलते कि वो कर पाए, इससे 15-20 टीम क्वालिफाई करती है, और वहां पे पूरी इंडिया में कितनी सारी टीम्स है, तो ये एक चीज है। तो होपफुली यार ये पूरा आपका माइंड क्लियर कर दिया होगा क्या चीज है, और आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट में लिख सकते हो, और यहाँ पे मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, सारे कमेंट के रिप्लाइज भी देखता हूँ। तो मेक श्योर आप एक कमेंट करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दियो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड एज़ ऑलवेज़ सी यू सून।